तुम यहीं रह रहे हो संजय? हाँ, मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा। क्यों? मेरे अपने पिताजी से विचार नहीं मिलते थे, यू नो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। बुआ और मोहन भैया कहाँ? आंटी तो शायद बाजार गई हैं, मोहन कोचिंग क्लासेस गया है। धनराज भैया, आप अचानक कैसे आ गए? वहां ताऊजी और ताईजी परेशान होंगे। आज ताईजी ने फोन किया था। माने फोन किया? क्या कह रही थी? कह रही थी कि हाँ, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। लेकिन भैया, आपको कुछ नहीं पता? हुआ क्या है? पुलिस ने ताऊजी को गिरफ्तार कर लिया। क्या? और क्या कह रही थी माँ? दरअसल भैया, बात अधूरी रह गई क्योंकि फोन ही बीच में कट गया। मैंने कोशिश की लेकिन फोन ही नहीं लगा। मैं जब वहां था तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये उस सिन्हा की चाल होगी, वही हम सबको परेशान करने की कोशिश कर रहा है। मैं एक खास काम से आया हूँ, सिर्फ तुमसे मिलने। क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? संजय, मुझे पद्मा से अकेले में बात करनी है, घरेलू मामला है। अगर तुम बुरा ना मानो तो। नहीं, इसमें बुरा मानने की क्या बात है, मैं अंदर चला जाता हूं। सूरज, क्या बात है, तू रो रहा है? नहीं माँ, बस ऐसे। तू मुझसे कुछ छुपा रहा है, क्या बात है बेटा? माँ, वो बोल बेटा, मैं तेरी माँ हूं, शायद तेरा दुख काम करने में तेरी मदद कर सकूं, क्या बात है? माँ वो सीमा। सीमा? माँ मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती है। माँ मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। तो उसे घर लिया, हम सबसे मिला। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है माँ, उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी कहीं और फिक्स कर दी है। क्या? तूने मुझे पहले क्यों नहीं कहा? क्योंकि मैं डर गया था, कहीं आप लोगों ने उसे पसंद नहीं करा था। लड़की सुंदर और सुशील हो और तुझे चाहती हो तो हमें क्या एतराज होगा? और वो लड़का मेरे बेटे से अच्छा हो ही नहीं सकता। लेकिन उस लड़के में एक खूबी आपके बेटे से ज्यादा है माँ, वो एनआरआई है, ज्यादा पैसे वाला है। एनआरआई है तो क्या? अगर सीमा तुझे सचमुच प्यार करती है तो उस लड़के को ठुकरा कर तेरे पास जरूर आ जाएगी। लेकिन अब ये सब इम्पॉसिबल है माँ, उसके पेरेंट्स ने उसके अगले महीने की डेट फिक्स कर दी है। अगर सीमा मुझे नहीं मिली तो मैं अपनी जान दे दूंगा माँ। ऐसे समय में मरने की बातें नहीं करते, हिम्मत से काम ले और कोई रास्ता निकाल। मैं तेरे साथ हूं हर तरह से, तेरी शादी सीमा से होगी। राधा, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं, मेरी बात मान लो।
नहीं पिताजी, मैंने जो फैसला कर दिया उसे कोई नहीं बदल सकता। तो फिर मेरा भी फैसला, अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। जिसे आप अपनी जिंदगी से बेदखल कर चुके हैं उसे अब किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है। आपकी दौलत, आपकी जायदाद ना मुझे पहले चाहिए थी और ना अब चाहिए। दौलत बहुत कुछ खरीद सकती है पिताजी, लेकिन सब कुछ नहीं। आपकी दौलत आप ही को मुबारक हो। राधा, राधा, राधा! एजेंट घर देख के ही तो कस्टमर से बात करेगा, तभी तो उसकी कीमत लगाएगा। और तुम तो जानते हो आजकल प्रॉपर्टी कितनी सस्ती हो गई है। लेकिन पिताजी, मैं उस घर में अकेला तो रहता नहीं हूँ, और भी लोग रहते हैं। अगर किसी को पता चल गया तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। यही तो मुसीबत है, और बिना मकान देखे हुए कोई भी कीमत देगा नहीं। एजेंट को तो अपना कमीशन चाहिए, वो जितना महंगा मकान को बिकवाएगा उतनी ही उसकी कमीशन ज्यादा होगी। और मयूर को देखो ना, तुम्हारा दोस्त है इसलिए तुम्हारी मदद कर रहा है। इसका हल तो तुम्हें निकालना होगा बेटे, क्योंकि इस काम में न मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ न ही मयूर। एक काम करते हैं, अपन एजेंट से ऐसा टाइम लेंगे जिस वक्त जनार्दन ऑफिस में होगा और तुम्हारे दोनों भाई कॉलेज में। और माँ, माँ का क्या करूंगा? अरे माँ को तुम किसी भी बहाने बाहर भिजवा देना। बेटे, इस काम में तुम दयाशंकर और गंगा की मदद क्यों नहीं लेते? वो तो तुम्हारे साथ है ना। और एजेंट को मकान देखने में सिर्फ 10-15 मिनट लगेंगे। आपने तो बस इतनी आसानी से कह दिया, लेकिन मुझे मालूम है कितनी मुसीबतें आती हैं। और अब बेटा, मुसीबतों के बाद ही आराम मिलता है। ठीक है, मैं कुछ सोचता हूं। अब तुम ही बताओ पद्मा, मैंने तो तुम्हारी मदद करनी चाहिए और मुसीबत में फंस गया हूं। सिन्हा ने मेरे और पिताजी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि हमने तुम्हें किडनैप किया है, इसीलिए पिताजी को पुलिस ने गिरफ्तार किया होगा। मैं यहां आ गया तो बच गया। अब पिताजी को हवालात से निकालना और मुझे पुलिस से बचाना तुम्हारे हाथ में है पद्मा। मुझे क्या करना होगा भैया? बैठो, देखो, रामपुर पहुंचकर तुम्हें पुलिस की गलतफहमी दूर करनी है। ये बयान देना होगा कि तुम अपनी मर्जी से मुंबई आई हो, हमने तुम्हें किडनैप नहीं किया है। अपना बयान सुनकर और तुम्हें देखकर पुलिस पिताजी को छोड़ देगी और मेरी परेशानी भी दूर हो जाएगी। देखो, अगर मेरी बात पर यकीन नहीं तो माँ से फोन पे बात कराऊं? नहीं भैया, मुझे आपकी बात पर पूरा विश्वास है। आपने मेरी इतनी मदद की है और अब मैं ही आपको पुलिस से बचाऊंगी। मैं आपके साथ रामपुर जरूर चलूंगी। देखो पद्मा, जितनी जल्दी पहुंचेंगे उतनी जल्दी पिताजी जेल से बाहर आएंगे। अब पता नहीं वहां किसी ने उनकी बेल भी दी होगी कि नहीं, और जब तक तुम वहां नहीं पहुंचोगी पुलिस मानेगी नहीं। मैं तो कहता हूं अभी चलो। अभी? लेकिन अभी ना मोहन भैया है और ना ही बुआ। तो तैयारी कर लो, तब तक शायद वो भी आ जाए, पूछ के चले। सामान पद्मा, कहाँ जाने की तैयारी है? वो मैं रामपुर जा रही हूँ। क्यों?
पुलिस ने पालसी को गिरफ्तार कर लिया है और अब वो धनराज भैया के भी पीछे पड़ गई है। उसको ये शक है कि इन दोनों ने मुझे किडनैप करवाया है। अगर मैं रामपुर का अपना बयान दे दूंगी तो पुलिस इन दोनों का पीछा छोड़ देगी। ये सब तुम्हें धनराज ने बताया? पद्मा वहां जाकर तुम उन्हें तो बचा लोगी, लेकिन अगर सिन्हा को भनक पड़ी तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इतनी मुश्किल से तुम उनके हाथों से बची हो, क्या फिर बचना चाहती हो? देखो संजय, मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से ताऊजी जेल में पड़े रहे। रामपुर जाना ही होगा। मैं मानता हूं, लेकिन तुम्हें इस बारे में मोहन और आंटी से भी बात करनी चाहिए। वो लोग नहीं आएंगे तो क्या हम रामपुर नहीं जाएंगे? तुम यहां पर हो, उन्हें बता देना कि वहां क्या हुआ है। पता नहीं, मेरे पिताजी मेरे लिए सब कुछ है। ठीक है, थोड़ा इंतजार करो, आंटी आती होंगी। रामपुर की बस जाने में सिर्फ एक घंटा बाकी है। बता, मोहन और बुआ आ गए तो ठीक, वरना हम लोग चलेंगे। पर एक बात और, तुम इस मामले में आंटी सर, मैं आपको लिफ्ट दे दूं। कहाँ जा रहे हैं आप? मेरा घर पास में ही, मैं चला जाऊंगा। चलिए ना प्लीज, मैं आपको छोड़ दूंगी। शाम को थोड़ा पैदल भी चलना चाहिए, आदमी की सेहत अच्छी रहती है। तुम चलो। एक दिन पैदल नहीं चलेंगे तो कोई हेल्थ नहीं बिगड़ जाएगी आपकी, प्लीज आइए ना। ठीक है, चलो। थैंक यू सर, कम से कम आपने एक बात तो मानी मेरी। चलो। नहीं धनराज, मैं तुम इस तरह से पद्मा को यहां से नहीं ले जाने दूंगा। मैं भी देखता हूं कौन रोकता है मुझे। पद्मा चलो। संजय, मैं तुमसे एक बार फिर कहता हूं कि हमारे घर के मामले में टांग मत अड़ाओ। धनराज भैया, आपके साथ संजय ने भी मेरी मदद की थी रामपुर से आने में। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारे घर के हर मामले में टांग अड़ाई गई? मैंने सिर्फ इतना कहा है कि आंटी और मोहन के आने तक का इंतजार कर लो, उनके साथ बैठ के सलाह मशवरा तो कर लो। वो लोग नहीं आएंगे तो क्या मेरे पिता वहां जेल में पड़े सड़ते रहेंगे? क्या पद्मा का फर्ज नहीं बनता कि इस मुसीबत में हमारा साथ दे? वहां मेरी माँ का रो रो कर बुरा हाल पूरा होगा, इसके बारे में सोचा तुमने? देखो, तुम्हारा इस तरह से यहाँ आना, इस तरह से बात करना, इस तरह से पद्मा को यहाँ से ले जाना, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। हालांकि ये मेरा अपना ख्याल है। तो अपने ख्याल अपने पास रखो, कहीं ऐसा ना हो कि देखो जब तक मोहन और आंटी नहीं आ जाते मैं तुम्हें यहाँ से हिलने भी नहीं दूंगा। देखो संजय, अगर मैं वहां नहीं जाऊंगी तो ताऊजी जेल में ही रहेंगे। प्लीज मुझे मत रोको, मुझे जाने दो। चलो पद्मा, पद्मा रुक जाओ, पद्मा रुक जाओ, पद्मा पद्मा मेरी बात सुनो। क्या बात है, क्या परेशानी है? गंगा, मैं बहुत उलझन में हूं। जिस एजेंट के जरिए हम इस घर के लिए खरीदार ढूंढ रहे हैं वो ये घर देखना चाहता है, और माँ के यहाँ रहते ये मुमकिन ही नहीं है। अच्छा, तो तुम चाहते हो जब वो एजेंट ये मकान देखने आए तब घर पर माँ ना हो? और नहीं तो क्या, वरना मैं घर कैसे दिखाऊं? माँ को समझ में आ गया तो पता है ना क्या होगा। बस इतनी सी बात? ये इतनी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी इस बड़ी ही बात का एक हल है मेरे पास। क्या बताओ? मैं माँ जी से कहूंगी कि डॉक्टर पूर्णिमा ने मुझे चेकअप के लिए बुलाया है। मैं माँ जी को अपने साथ डॉक्टर के पास ले जाऊंगी और तुम पीछे से एजेंट को बुला के मकान दिखा देना, है ना? ठीक है ना? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। देखा? सच गंगा, तुमसे शादी करके मैंने कोई गलती नहीं की। सच्ची गंगा जी, ग्रेट। वक्त कैसे पर लगा के उड़ जाता है ना।
देखते ही देखते बच्चे कितने बड़े हो गए, पूरब की शादी तक हो गई। मुझे तो आज भी याद है वो दिन जब तुमने अपनी जान पर खेलकर इसी पूरब को बचाया था। नीता, लगता है भगवान को इसी बहाने हमें मिलाना था, हमारी शादी करानी थी, और हम भी सब कुछ भूल कर छुटके बच्चों को पालने पोसने। मुझे याद है बचपन में मुझे धीरज ने बहुत सताया था, कितना शरीर था ना। भैया, अब इन्हीं दोनों की चिंता रह गई है कि पढ़ लिख कर ठीक से सेटल हो जाए तो मैं भी आराम से रिटायरमेंट ले लूं और तुम्हारे पास बैठ जाऊं। क्यों इतने जल्दी अपने आप को बूढ़ा समझने लगे जो रिटायर होने की बातें करने लगे? वो बात नहीं है, लेकिन वो दिन अब पलट के कभी नहीं आ सकते मीता, जब इन छोटे छोटे बच्चों से घिरे हुए हम अपने सारे गम भूल जाया करते थे। अभी बड़े हो गए हैं, इसी बात की चिंता है कि ये कैसे ना कैसे ठीक से सेटल हो जाए। वैसे तो हर एक की जिंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती ही है, हमारी जिंदगी में भी आए, बस कभी कभी डर लगता है कि रमाकांत वापस हमारी जिंदगी में आकर हमारे घर की इस चुप्पी